आप देख रहे हैं दखल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस के कारण लगाए गए 21 दिन के लॉकडाउन को केंद्र सरकार बढ़ा सकती है। कई प्रदेश सरकारों ने लॉकडाउन को बढ़ाने का सुझाव केंद्र सरकार को दिया है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद भी कोरोना मरीजों की संख्या कम होने के बजाय बढ़ रही है। कई एक्सपर्ट्स ने भी लॉकडाउन को और कुछ हफ्तों के लिए बढ़ाने की बात कही है। ऐसे में केंद्र सरकार भी लॉकडाउन को बढ़ाने पर विचार कर रही है। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया था, जो 14 अप्रैल को खत्म हो रहा है। इस बीच कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। पिछले 3 दिनों में कोरोना के 1000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 2 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हुई है। फिलहाल भारत में तकरीबन 4500 कोरोना मरीज हैं, जिनमें से 114 की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली समेत कई प्रदेशों में मरीजों की संख्या अचानक बढ़ी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि लॉकडाउन को और 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया जाए। केसीआर ने जिस रिपोर्ट के आधार पर यह सुझाव दिया था, उसमें 2 जून तक लॉकडाउन लागू करने की अपील की गई है। इसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि लॉकडाउन को तुरंत नहीं हटाया जाना चाहिए, इनको चरणबद्ध तरीके से हटाया जाना चाहिए। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार को राज्य सरकारों को लॉकडाउन हटाने और लगाने का अधिकार देना चाहिए। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि भविष्य की स्थितियों को देखते हुए ऐसा लगता है कि लॉकडाउन शायद बढ़ाया जाए। परिस्थिति देख के फैसला करेंगे। जनता की जिंदगी ज्यादा जरूरी है। लॉकडाउन सह लेंगे, अर्थव्यवस्था बाद में भी खड़ी कर लेंगे, लेकिन लोगों की जिंदगी चली गई तो वापस कैसे लाएंगे? अभी जो परिस्थिति मैं भोपाल में देख रहा हूं, इंदौर में देख रहा हूं, उसमें हमें सावधानी बहुत रखने की जरूरत है। और इसलिए अगर जरूरत पड़ी तो इसको आगे भी बढ़ाएंगे। जनता की जिंदगी हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, परिस्थितियां देख के फैसला करेंगे। भोपाल में लॉकडाउन का पालन करवाने पहुंचे पुलिस वालों पर एक समुदाय के लोगों ने हमला कर दिया। इन बदमाशों ने पुलिस वालों को चाकू मारे और फरार हो गए। घायल पुलिस कर्मियों को हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ऐसा करने वालों पर रासुका लगाने का ऐलान किया है। इंदौर में डॉक्टर्स पर हमले के बाद अब भोपाल में पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ है। सोमवार देर रात तलैया इलाके स्थित इस्लाम नगर में भीड़ हटाने पहुंची पुलिस पर बाहर घूम रहे कुछ समुदाय विशेष से जुड़े हिस्ट्री शीटर बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। रात करीब 10:30 बजे एक बदमाश ने अपने दर्जन भर साथियों के साथ मिलकर 6 पुलिसकर्मियों पर हमला किया है। पुलिस ने इन लोगों को बाहर घूमने से रोका था। इस पर 3 बदमाशों ने 2 पुलिसकर्मियों पर चाकुओं से हमला कर दिया। एक पुलिसकर्मी के हाथ में तो दूसरे के कंधे में चाकू लगा है। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस के अनुसार शहीदिया स्कूल के पीछे 15 से 20 लोग समूह में घूम रहे थे। इस दौरान आरक्षक लक्ष्मण यादव और सतीश ने उनको घर जाने के लिए बोला, जिस पर ये लोग पुलिस से विवाद करने लगे। तभी शाहिद कबूतर, माजिद मामू और मोहसिन कचौड़ी नाम के बदमाशों ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। जब तक बाकी पुलिसकर्मी उनके पास मदद करने पहुंचते, हमलावर हमला करके भागने में कामयाब हो गए। जहां पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया है, वो इलाका कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। एक जमाती यहां कोरोना संक्रमित मिला था। काजी कैम का लड़का है। काजी कैम में इसके वहां पे भी निषादपुरा में भी काफी अपराध है। जैसा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और जैसे सूचना मिली थी कि लोग इकट्ठे हो रहे हैं वहां पर, तो ये लोग से बोलने के लिए गए थे कि आप लोग घरों में बैठे। ये लोगों को मौका भी नहीं मिला बोलने का। उससे पहले 2 पुलिसकर्मियों को जो आगे जा रहे थे उनको उन्होंने पकड़ लिया और उनको चक्कू और
लाठियों से मारने की कोशिश करी, जब पुलिस फोर्स पहुंची तब वो लोग भागे वहां पर। इस घटना को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बहुत गंभीरता से लिया है। देर रात उन्होंने अधिकारियों से ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने को कहा। शिवराज सिंह ने शाहिद कबूतर, मोहसिन कचौड़ी का नाम लेकर ट्वीट किया और कहा इनके खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में पत्थरबाजी हो गई और उसके बाद भोपाल में लॉकडाउन का पालन करने के लिए पुलिसकर्मियों ने कहा तो पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। अब उनमें कोई मोहसिन कचौड़ी था और कोई शाहिद कबूतर था, ऐसे बदमाशों को चेतावनी है, एक नहीं बचेगा, बख्शा नहीं जाएगा। इनको भी रासुका में भेज रहे हैं, ये बाहर नहीं आ पाएंगे। और इसलिए ऐसे बदमाश समझ लें, किसी भी कीमत पर ये नहीं छोड़े जाएंगे। अपनी जान जोखिम में डालकर सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे पुलिसकर्मियों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फोन पर बात की और उनका हालचाल जाना। शिवराज सिंह ने पुलिसकर्मियों की उनके कार्य के लिए सराहना की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के ऐशबाग थाना प्रभारी अजय नायर से फोन पर बात की और सभी पुलिसकर्मियों का हालचाल जाना। इस दौरान शिवराज ने थाना प्रभारी उनके स्टाफ की सराहना की और उनको प्रोत्साहित किया। शिवराज ने सभी पुलिसकर्मियों का अभिनंदन किया और कहा कि प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता पुलिस के साथ है, आपका कार्य सराहनीय है। शिवराज ने पुलिस वालों को भी ड्यूटी के दौरान सावधानी बरतने को कहा। सीएम ने कहा कि पुलिस जान जोखिम में डालकर कार्य कर रही है, बहुत से पुलिस वाले भी इस कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। अजय, शिवराज सिंह चौहान बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप, ड्यूटी पूरी करते हुए स्वस्थ हैं? अजय, मैं आप सबका, आपके माध्यम से हमारे सारे पुलिस के भाई बहनों का अभिनंदन कर रहा हूँ। प्रदेश की जनता ऋणी है आपकी, जो इन कठिन परिस्थितियों में कोरोना जैसी महामारी से लड़के जनता को बचाने का काम कर रहे हैं। आप सहित सारे पुलिस कर्मियों का अभिनंदन है। यह संदेश देने के लिए मैंने फोन किया है आपको। और मैं ये भी आश्वस्त कर रहा हूँ कि 7.5 करोड़ लोग आपके साथ हैं प्रदेश के पूरे, और आप रियल हीरो हैं, सब पुलिस के मित्र हमारे। बस इतने ही मेरा कहना है कि सावधानियां पूरी रखें। जो किट हमको दिया गया उस किट में जो जरूरी चीजें, मास्क, सैनिटाइजर, उसका इस्तेमाल करें। आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं, आवश्यक जरूरी दवाइयों का किट भी है, उसका इस्तेमाल करें। और पूछताछ के लिए जाएं तो एक निश्चित दूरी बनाकर ही पूछताछ करें। कुछ सावधानियां बहुत जरूरी है जे, वो अपने सब साथियों को बताएं, क्योंकि भोपाल में हमारे कई साथी दूसरों को संक्रमण से बचाने के लिए खुद संक्रमित हो गए। हम आगे ये दिक्कत ना हो हमारे साथियों की, इसकी कोशिश करें। ठीक है अजय, बहुत धन्यवाद सबको, और मेरा सबको नमस्कार बोलिए और कहिए कि मेरा फोन आया था, मैं सबके साथ। नमस्ते। साफ सफाई में नंबर वन रहने वाला शहर इंदौर कोरोना संक्रमण के मामले में देश में तीसरे नंबर पर आ गया है। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इंदौर में संक्रमित की संख्या 151 के पार पहुंच चुकी है, वहीं इनमें से 13 की मौत हो गई है। इंदौर को लेकर मध्य प्रदेश में सरकार गंभीर है और युद्ध स्तर पर संक्रमण रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। इंदौर में नए मरीजों में दाऊदी नगर खजराना से 13 साल का एक बच्चा भी शामिल है। वहीं पॉजिटिव 12 अन्य मरीजों में से 3 मरीज क्वारंटाइन सेंटर में पहले से ही भर्ती हैं। इनमें से एक मरीज टाटपट्टी बाखल से है। टाटपट्टी बाखल में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 19 पहुंच चुकी है। सोमवार को MGM मेडिकल कॉलेज से जारी रिपोर्ट में 16 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि की गई, इसमें से 4 की मौत हो चुकी है। 4 अप्रैल को MY की OPD में 149 लोग पहुंचे, जिनमें से 28 संदिग्ध मरीजों के सैंपल लिए गए। इनमें से इंदौर के 138 और अन्य जिलों से 72 सैंपल शासन को प्राप्त हुए हैं। इंदौर में MRTB और MY से 24, MTH आइसोलेशन सेंटर से 8, सिनर्जी हॉस्पिटल से 1, CMHO इंदौर की तरफ से 56 और CHRC से 5 सैंपल जांच के लिए मिले हैं। इंदौर में 2 दिन में 50 मरीज अचानक बढ़ गए। 1 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव की संख्या 50 पार थी, तो 4 अप्रैल को ये आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया और 6 अप्रैल को कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 150 के पार कर चली गई। इंदौर जिले में जो कल की रिपोर्ट आई, उसके बाद अभी 151 लोग पॉजिटिव आ गए हैं
और करीब 13 मौतें हुई हैं। और कल से हम लोगों ने जो कंटेनमेंट एरिया में सर्वे का काम चालू किया था वो एप्लीकेशन के द्वारा चालू हो गया है और लगभग 400 लोगों का सर्वेक्षण हो गया था। इनमें से 30 के करीब लोगों को कुछ लक्षण पाए गए थे। उन सभी 300 लोगों का परीक्षण आज हमारी मेडिकल टीम के द्वारा किया जाएगा और ये मेडिकल टीम जब इनका परीक्षण कर लेगी तो ये देखा जाएगा कि उन लक्षणों के आधार पर यदि उनकी जाँच कराई जानी है तो हम जाँच कराएंगे और क्वारंटाइन किया जाना है तो उनको होम क्वारंटाइन अथवा किसी संस्था में क्वारंटाइन कराएंगे। दूसरे चरण में आज हम लोग टाटपट्टी भाकल वाली टीम रवाना कर रहे हैं और अभी थोड़ी देर में वो भी रवाना हो जाएगी। इसी तरह चरणबद्ध तरीके से कल हम खजराना आगे चरणों में आजाद नगर और चंदन नगर में भेजने वाले हैं। दखल के पॉपुलर कार्यक्रम एडिटर व्यू में प्रदेश टुडे मीडिया ग्रुप के चेयरमैन वरिष्ठ पत्रकार हृदय दीक्षित ने कहा कि इंदौर के हालात चिंताजनक हैं लेकिन इंदौर कोरोना से भी जीत कर बताएगा। मध्य प्रदेश में जो हालात चल रहे हैं और खासतौर पर इंदौर में जो देखने को मिल रहा है मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, हमें इस मर्तबा इस महामारी ने आईना दिखा दिया है। दो बातें बताना चाहता हूं, एक तो सकारात्मक पक्ष है, दूसरा इसका नकारात्मक पक्ष है। सकारात्मक पक्ष यह माना जा सकता है क्योंकि इंदौर एक औद्योगिक नगर है, इंदौर के अंदर संपन्नता बहुत है, इंदौर मेडिकल फैसिलिटी काफी बेहतर है और इंदौर देश के नंबर वन शहरों में गिना जाता है जो सफाई के क्षेत्र में माना जाता है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए आप कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अगर इस महामारी ने सबसे पहले अगर किसी शहर को अपने चुंगल में जकड़ा तो उस शहर का नाम इंदौर था। ऐसे हालात क्यों बने ये भी एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है। अब इसमें हम किसी व्यक्ति विशेष को किसी समुदाय को दोष देने लग जाएंगे तो मैं समझता हूं ये उचित नहीं है। सबसे बड़ी बात यह थी कि इंदौर के अंदर जो प्रशासन था जो पहले भी रहा और वर्तमान में भी जो है वो इस व्यवस्था के साथ तालमेल नहीं बना पाए। कैसे नहीं बना पाए इसका एक बहुत बड़ा सटीक उदाहरण आपको देता हूं कि जब कोरोना वायरस को लेकर ये सारी बातें शुरू हुई और जब ये मालूम पड़ रहा था कि इंदौर एक सबसे सेंसिटिव जोन बन सकता है लेकिन हमारे का प्रशासन उतना सजग नहीं था। आपको याद है कि इससे पहले वर्तमान में भी कलेक्टर मनीष सिंह हैं, आकाश त्रिपाठी इस कार्य को देख रहे हैं और पुलिस व्यवस्था को हरिहरन जाटव मिश्रा देख रहे हैं, इसके पहले रुचिवर्धन मिश्रा देख रही थी इस व्यवस्था को और लोकेश जाटव इस चीज को लीड कर रहे थे। तो जो पहले का प्रशासन था वो कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यवस्था को तालमेल बना नहीं पाया। बनाना इस दृष्टिकोण से था कि जब ये बात स्पष्ट हो चुकी थी कि ये विदेशों से आने वाली बीमारी थी, ये विदेशों से ही प्राप्त हो सकती थी और मध्य प्रदेश का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय विमान दुबई जाती है जिसको लेकर हम बिल्कुल चिंतित नहीं थे। मुझे अच्छे से याद है कि फरवरी और मार्च के 15 मार्च तक बिल्कुल इसको नोटिस में नहीं लिया गया, ना उसको क्वारंटाइन करने की कोई प्लानिंग की गई, ना कोई सैनिटाइज करने की कोई प्लानिंग की गई, ना लोगों को चेक करने की प्लानिंग की गई, बहुत कैजुअल लेते चले गए और हम टेलीविजन चैनल्स पे डिपेंडेंट रहे, मीडिया पे डिपेंडेंट रहे और खबरों के आसपास कहीं ना घूमते रहे। जहां तक डॉक्टरों का प्रश्न था, जहां तक चिकित्सा व्यवस्था की बात थी, आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि बहुत संतोषजनक तरीके से स्थानीय प्रशासन ने इस व्यवस्था को अपने सिरे से संभाल लिया है। लेकिन दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टरों का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। आप यकीन मानिए हमारे ही बहुत नजदीकी मित्र के परसों के दिन एक दुखद निधन हो गया। वो सिर्फ इस बात पर हो गया कि कई डॉक्टर्स आप इंदौर शहर में थोड़ा सा एक डिफाइन कर देना चाहता हूं इस बात को बताने से पहले, यहां तीन कैटेगरी डिफाइन कर दी गई है, येलो रेड एंड ग्रीन। रेड सबसे डेंजर जोन मान लिया गया है, येलो में सावधानी रखी जा रही है, ग्रीन में लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि जो नर्सिंग होम हैं, हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इतने भयभीत हो चुके हैं इस बीमारी को लेकर भी कि वो अपना वो कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहे जो उनको देना चाहिए था। बहुत बड़ा पैरामेडिकल स्टाफ काम कर रहा है फिर भी डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, बहुत सारे BIMS काम कर रहे हैं, बहुत सारी अलग अलग व्यवस्थाओं में लोग जुड़े हुए अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन जो नामी डॉक्टर थे वो अगर निकलकर बाहर आते वो अपने नर्सिंग होम्स को देते हैं, अपनी फैसिलिटीज को आगे बढ़ाते तो शायद हम इस पर बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से पहले नियंत्रण कर लेते हैं। लेकिन हाँ, कुछ मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं इंदौर में, अरविंदो का जिक्र करूँ, मैं इंडेक्स का जिक्र करूँ, तो इन लोगों ने अपनी सेवाएं दी हैं, अपने लोगों को बुलाया है और एक बेहतर सेवा देकर बेहतर माहौल खड़ा करने की कोशिश की है। कुल मिलाकर मैं दो बातें कहना चाहता हूँ, अगर सही समय पर प्रशासन जागरूक होता और इस बात को समझ लेता या तालमेल बिठा लेता कि हमें इस बीमारी से निपटने के लिए ये उपाय करना चाहिए थे तो हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेते, लेकिन चीज़ थोड़ी हाथ से बाहर निकल गई। लेकिन आज भी जो हालात सामने नज़र आ रहे हैं उसमें मैं कह सकता हूँ कि इंदौर आज नहीं तो कल अपनी रफ्तार में फिर लौटेगा और जैसे देश में नंबर वन नाम है उसका सफाई के क्षेत्र में, ऐसे कोरोना की महामारी को बीमारी को समाप्त करने में भी इंदौर बहुत तेज आगे बढ़ेगा। ये शुभकामनाएं हम दे सकते हैं और ये अपेक्षा इंदौर के लोगों से, नागरिकों से, डॉक्टर से, पैरामेडिकल स्टाफ से, प्रशासन से, अधिकारियों से और मीडिया से कर सकते हैं।
एक तरफ देश कोरोना के संकट से गुजर रहा है, वहीं इस कोरोना महामारी से लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों को लोगों से जूझना पड़ रहा है। उज्जैन में कोरोना की जांच करने पहुंचे स्वास्थ्य कर्मियों के साथ अभद्रता की गई। बिलोटीपुरा में बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए लोगों ने जांच करने पहुंचे डॉक्टर्स और नर्सों का विरोध किया और धमकी देते हुए कहा कि अगर नहीं गए तो लाठियों से पीटेंगे। यहां स्वास्थ्य कर्मियों को जान से मारने की धमकी भी दी गई। अपनी जान को खतरे में डालकर स्वास्थ्य कर्मी दूसरों की जान बचाने में लगे हैं, लेकिन कोरोना की जांच करने जा रहे स्वास्थ्य कर्मियों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इंदौर के टाटपट्टी बाखल की तरह उज्जैन में भी बेहद शर्मनाक घटना सामने आई। उज्जैन के बिलोटीपुरा क्षेत्र में जांच करने गई स्वास्थ्य विभाग की टीम को लोगों ने भगा दिया, साथ ही धमकी दी कि नहीं मानोगे तो लाठियों से पीट देंगे। घटना सोमवार सुबह की है। यहाँ स्वास्थ्य विभाग की 30 सदस्यीय टीम में शामिल डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के लोग जांच करने पहुंचे थे। जैसे ही बिलोटीपुरा में जांच करना इन लोगों ने शुरू किया तो लोग इनके विरोध में आ गए और बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने जांच करने से इनकार कर दिया और कहा कि भाग जाओ वरना लाठियों से पीट देंगे। घटना की जानकारी जब थाना प्रभारी को लगी तो एक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे व समाज के वरिष्ठ लोगों को समझाया। हम लोग यहाँ पे स्वास्थ्य टीम की तरफ से यहाँ आ रहे हैं सर्वे करने के लिए, इन लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए, पर ये लोग हमको कोई जानकारी दे ही नहीं रहे हैं और उल्टा हम लोगों को बोल रहे हैं हम लोग मारेंगे कूटेंगे अंदर बंद कर देंगे। तो सर हम तो सर्वे करने के लिए तैयार है पर हमको प्रोटेक्शन चाहिए पुलिस का, पुलिस हमारे साथ जाके प्रोटेक्ट करेगी तो हम सर्वे करेंगे। है ना, जिस क्षेत्र में 12 नंबर वार्ड में सर्वे करने गए उस क्षेत्र में मुस्लिम क्षेत्र के लोग रहते हैं, मुस्लिम वर्ग के लोग रहते हैं, वो लोग बोलने लगे कि कोई जानकारी नहीं देंगे हम लोग और आप लोग ज़्यादा आगे चलोगे तो हम तुमको कूट देंगे। वो लोग बोलने लगे और वो लोग सही बात है कि वो लोग एक साथ सब लोग उतर गए 50-60 लोग, और 50-60 लोग उतरने के बाद में मेरे फ़ोटो का, मेरे आईडी का फ़ोटो लिया उनने, और फोटो लेने के बाद में भी उनने कह दिया कि हम तो यहाँ सर्वे नहीं कराएंगे। बोले नहीं, हम भी दो बार गए, तीन बार गए, अगली बार आओगे तो हम लोग आपको पत्थर मारेंगे। दरअसल बिलोटीपुरा क्षेत्र दानी गेट के पास का इलाका है जहाँ दो दिन पहले कोरोना वायरस के कारण एक महिला की मौत हुई थी, इसलिए इस पूरे क्षेत्र को संवेदनशील घोषित किया गया है। बावजूद इसके क्षेत्र के लोग जांच करवाने में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर जगह जगह इसी तरह की गुंडागर्दी और मनमानी की जाएगी तो कोरोना महामारी से कैसे निपटा जाएगा, ऐसे में प्रशासन के सारे इंतजाम धरे रह जाएंगे। तरस तो अब इन लोगों पर भी आता है जो डॉक्टर और नर्स को मारने की धमकी देते हैं। इन सबसे निपटने के लिए शासन और प्रशासन को और सख्त होने की जरूरत है। समय आ गया है जब सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कड़े कदम उठाए। सिंगरौली के नादन कोल फील्ड्स लिमिटेड में संचालित हो रहे नेहरू शताब्दी अस्पताल में कोरोना से निपटने के लिए डॉक्टरों ने नए तरीके का इजाद किया है। यहां कोरोना संक्रमण को देखते हुए डॉक्टरों ने अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाया है जिसमें एक वेंटिलेटर पर एक साथ 5 मरीजों का इलाज किया जा सकता है। इस तरह सुविधा देने वाला यह पहला अस्पताल है। NCL नेहरू शताब्दी चिकित्सालय में सिविल सर्जन के पद पर पदस्थ डॉक्टर पंकज ने यह फार्मूला इजाद किया है। इस फार्मूले में लाइफ सपोर्ट सिस्टम यानी वेंटिलेटर को इस तरह से परिवर्तित किया गया है कि इससे एक ही वेंटिलेटर पर 5 लोगों तक ऑक्सीजन की सप्लाई की जा सकती है। इस वेंटिलेटर में कॉपर की पाइप कनेक्ट करके 5 अलग अलग मरीजों तक पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का अगर इस वेंटिलेटर पर इलाज होता है तो संक्रमण एक मरीज से दूसरे मरीज तक नहीं पहुँचेगा। बताया जा रहा है कि उससे बाहर निकलने वाली ऑक्सीजन वापस फिल्टर होकर दूसरे मरीज तक पहुँचती है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि इस तकनीक से दूसरे मरीज में संक्रमण फैलने का कोई खतरा नहीं है। ऐसी तकनीक इजाद करने वाला ये पहला अस्पताल माना जा रहा है। बेसिकली क्या है कि अभी हमारे पास जो कोरोना पेंडेमिक हो रहा है उसमें कोरोना वायरस लंग्स को इफेक्ट करता है और लंग्स को इतना ज़्यादा डैमेज कर देता है कि मरीज को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स हैं, वेंटिलेटर के जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं सब डेवलप्ड कंट्री में हैं और ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री में अभी कोरोना वायरस का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि अभी वेंटिलेटर को एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, एक्सपोर्ट बंद है। तो हमारे पास अभी इंडिया में सप्लायर्स के पास जितने वेंटिलेटर हैं उसी से हमको काम करना है और हमें अभी जितने वेंटिलेटर हैं उसे 3 से 5 गुने तक ज़्यादा वेंटिलेटर की ज़रूरत है। इसका सोल्यूशन हम लोग के पास यही है कि हम लोग 1 वेंटिलेटर से 5 वेंटिलेटर को वेंटिलेट करें, 1, 2, 3, 4, 5 और कैपेसिटी को मल्टीप्लाई करें, अवेलेबल कैपेसिटी को। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि वेंटिलेटर के एक्सेलेशन पोर्ट, सांस छोड़ने वाले पोर्ट और सांस लेने वाले पोर्ट में एक्सटेंशन ट्यूब एक लगा दिया जो कि कॉपर का बना हुआ है और कॉपर में 5 छेद हैं जिसमें कि हमारे वेंटिलेटर के जो ब्रीदिंग सर्किट है पेशेंट के वो कनेक्ट हो जाए। समय है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज़।
Life is about to change, eh? No more 8 घंटे की नींद, no more late night movies, no more parties with friends. बिल्कुल सही कहा तुमने. इसके future के लिए अब no more holidays, no more shopping और no more फिजूल का खर्च. लेकिन अगर इसका future already secured हो तो? Really? Daddy बने हो, देवदास नहीं. जीना छोड़ दूंगा, holidays छोड़ दूंगा. Smart लोगों की clear है priority, बाकी सब बाद में. Cute वाले मेहमान से पहले LIC. बाकी सब बाद में पहले सुन मेरी बात रे. लाइफ के टेढ़े मेढ़े रोड पे होंगी चुनौतियाँ हर एक मोड़ पे, बट हमने कभी ना फिकर की, पर हमने कभी ना फिकर की, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC. स्टार्टअप का सपना, एक घर हो अपना, फॉरेन की डिग्री और छुट्टी विद जिगरी है मेरे ड्रीम्स, न जाने कितने 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 कितने, पर हमने कभी ना फिकर की, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC. स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, पहले LIC. ऋषि, ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जिंदगी के सभी खतरों से बचाना है. फिर तो मेरी लाइफ खतरे में है, क्योंकि जो कॉकरोच से डर जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा. वेल, कॉकरोच छोड़कर तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम सिक्योर है. स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, फॉरएवर वाले रिलेशनशिप से पहले LIC. आप देख रहे हैं दखल न्यूज. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. रुक करते हैं अगली खबर की ओर. जहां एक तरफ पूरे देश में कोरोना को लेकर लॉकडाउन है, वहीं ग्वालियर में आबकारी विभाग की लापरवाही सामने आ रही है. आबकारी विभाग शराब की दुकान खुलवाकर स्टॉक चेकिंग के नाम पर कालाबाजारी को बढ़ावा दे रहा है. कोरोना वायरस जैसी महामारी को रोकथाम के लिए संपूर्ण भारत में लॉकडाउन है, जिसके बाद कलेक्टर द्वारा जिले में संपूर्ण बाजार बंद किए जाने का आदेश जारी किया गया है. ऐसे में ग्वालियर में आबकारी अधिकारी शासन के समस्त आदेशों का उल्लंघन करते दिखे. पहले शराब की दुकानों को सील नहीं किया गया और अब ऐसे में लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानों की स्टॉक चेकिंग की कार्रवाई समस्या पर है. कोरोना वायरस जैसी महामारी के समय भी जिला आबकारी अधिकारी द्वारा बीमारी को गंभीरता से नहीं लिया गया, जिससे कोरोना वायरस जैसी महामारी के फैलने का खतरा मंडरा रहा है. लॉकडाउन का आधे से ज्यादा समय निकल जाने के बाद आबकारी विभाग को मदरा दुकानों को सील किए जाने की सुध आई है. रीवा के जवाब में लॉकडाउन के बीच यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में भीड़ जमा हो गई तो बैंक मैनेजर को खुद मोर्चा संभालना पड़ा. इस दौरान बैंक में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी रखा गया. दो दिन की छुट्टी के बाद मंगलवार को बैंक खुले तो लोग पैसे की मजबूरी में बैंक पहुंचे. बैंकों में सुबह से ही लोगों की काफी भीड़ थी. इस बीच बैंक ने भी सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा. ग्राहकों के लिए बैंक में 1 मीटर की दूरी पर गोले बनाए गए थे. बाजारों के बंद होने और अन्य सभी कार्यों पर विराम लग जाने से आम आदमी की आय बंद हो गई है. केंद्र सरकार द्वारा गरीब मजदूरों के साथ ही जनधन योजना के तहत खुलवाए गए बैंक खातों में 500-500 रुपए की सहायता राशि भेजने के बाद बैंकों में रुपए निकालने वालों की अचानक भीड़ बढ़ गई. बैंक में पहुंचने वाले लोगों के हाथ सैनिटाइज कराने के बाद ही उन्हें अंदर प्रवेश दिया गया. बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर विकास धनकर ने बताया कि प्रधानमंत्री जनधन की राशि लोगों के खाते में आने के कारण भीड़ रही. हमने बैंक और ATM पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया है, लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक भी किया. लॉकडाउन की वर्तमान स्थिति को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा किए गए विभिन्न आर्थिक प्रयासों के मद्देनज़र विभिन्न खाताधारकों के खातों में प्रधानमंत्री जनधन खातों योजना के तहत 500 रुपये प्रतिमाह की जो सरकार ने घोषणा की है, उसके तहत जवा शाखा में तकरीबन 1465 हितग्राहियों को 500 रुपये प्रतिमाह की पहली किस्त प्राप्त हो चुकी है, जिसके कारण से बैंक में भीड़ का होना लाजिम है. आए दिन हम देख भी रहे हैं कि दिन प्रतिदिन भीड़ 1 से 2 और 2 से 4 और बढ़ती ही जा रही है, परंतु भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए प्रशासन से जो भी आवश्यक सुविधाओं की हमें ज़रूरत रहती है वो प्रशासन हमें प्रदान करता है. स्थानीय पुलिस विभाग के द्वारा भी हमें समय समय पर आवश्यक सहायता दी जाती है.
उसके साथ साथ जवा के जो ग्राहक गण हैं उनके द्वारा भी इस लॉकडाउन में भरपूर सहयोग किया जा रहा है। मौजूद भी प्रत्येक ग्राहक जो भी निर्देश शासन द्वारा तथा शाखा द्वारा दिया जाता है उसका पालन करते हैं, उसमें प्रयासरत रहते हैं, सहयोग देते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि शाखा ने भी इस कोरोना वायरस के खिलाफ जो लड़ाई प्रशासन लड़ रहा है उसमें सहयोग स्वरूप हर आने वाले ग्राहक को सैनिटाइज करने की पूरी व्यवस्था की गई है। आए हैं बैंक, किस लिए आए हैं? पैसा का। कौन सा पैसा निकालने? अच्छा हाँ के। अच्छा पेंशन वाला पैसा? पैसा के लिए आए हैं। कैसा पैसा? पेंशन का। अच्छा पेंशन की जो राशि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत आई है? जी। अच्छा, छिंदवाड़ा के परासे इलाके में असहाय लोगों को भोजन बांटा जा रहा है, ऐसे में विधायक सोहन लाल वाल्मीकि ने लोगों से ज्यादा दान देने और घरों में रहने की अपील की है। नगरपालिका परिषद परासिया और विधायक सोहन लाल वाल्मीकि ने अंबेडकर भवन में गेहूं चावल दान में दिया और लोगों से निवेदन किया कि अधिक से अधिक दान करें जिससे असहाय लोगों को भोजन मिल सके। उन्होंने जनता से अपील की कि कोरोना वायरस को देखते हुए अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें और लॉकडाउन नियमों का पालन करें। रसोई चालू करी, किचन चालू किया है अंबेडकर भवन में और हम लोग सब लोग ने मिलकर यहाँ पर चालू करवाया है। ये शुरुआत में 250 पैकेट यहाँ पर जो निर्धन परिवार हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं, जिनको व्यवस्था नहीं है, वो शुरुआत 250 से की है। आज लगभग 650 परिवार को हम लोग यहाँ से भोजन वितरित कर रहे हैं। अभी हमने हमारी ओर से कांग्रेस की तरफ से 50 लीटर तेल और आलू और प्याज की यहाँ व्यवस्था बनाई है। और भी ऐसे सामाजिक और जितने भी लोग व्यापारी हैं, सम्मानित बंधु हैं, उन सबसे मैं भी निवेदन करना चाहूँगा कि ये एक बहुत पुनीत काम है। आप सब अपने सहयोग प्रदान करें, आगे बढ़ें, क्योंकि आप सबकी आज आवश्यकता है। प्रतिदिन आप, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर रोज़ का खर्चा लगभग 10,000 रुपये का आ रहा है ये गेहूँ और चावल को छोड़ के, तो ऐसे आप, मेरा निवेदन है कि कम से कम 10,000 रुपये जो दे सकते हैं वो यहाँ भोजन की व्यवस्था बनाने के लिए दें ताकि ये जो गरीब परिवार है उनको भोजन की व्यवस्था हो सके। सिंगरौली में NTPC विंध्याचल कोरोना से लड़ने के लिए आगे आया है। NTPC विंध्याचल के कार्यकारी निदेशक ने कोरोना से लड़ने के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी को 25 लाख का चेक दिया। सिंगरौली में NTPC विंध्याचल के कार्यकारी निदेशक ने COVID-19 महामारी की रोकथाम और जरूरतमंद व्यक्तियों की मदद के लिए 25 लाख का चेक भेंट किया है। NTPC विंध्याचल ने ये चेक अपने सामाजिक दायित्व के तहत इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन राजमोहन श्रीवास्तव को प्रदान किया। NTPC विंध्याचल व इसके अंतर्गत कार्य कर रही सुहासिनी संघ NGO द्वारा कोरोना वायरस से बचाव के लिए जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। सभी को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की जा रही है। पूरे प्रदेश में टोटल लॉकडाउन के बाद भी अवैध शराब कारोबार बंद नहीं हो रहा है। रीवा में पुलिस ने 2 युवकों को अवैध शराब बिक्री करने के मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 7 पेटी शराब जब्त की है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए देश भर में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन घोषित है। इसके मद्देनजर शराब की दुकानें भी बंद है। जिवा पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान शराब की सप्लाई करने वाले लोगों का भंडाफोड़ किया है। पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि जिवा के एक ढाबे में भारी मात्रा में शराब स्टॉक की गई है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी नवीन तिवारी ने ढाबे पर छापेमार कार्रवाई की और मौके से 7 पेटी शराब को जब्त किया जिसकी कीमत लगभग 22,000 रुपये बताई जा रही है। इसके साथ ही आरोपी विपिन पाठक सचिन पाठक को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। हमको सूचना प्राप्त हुई थी हमारे मुखबिर से कि सचिन पाठक और विपिन पाठक ये शराब की बिक्री कर रहे हैं, अवैध शराब की। तो इसी मुखबिर की सूचना पर हमने एक टीम गठित कर दी थी जो कि लोकेशन पे पहुँच कर जहाँ पे डंप था वहाँ से शराब निकाली, जहाँ से हमें 378 पाव शराब बरामद हुई है। और ये बरौली ठकुरान के निवासी हैं तो उनको थाने पे लाके 34-2 की कार्रवाई की जा रही है। लॉकडाउन के दौरान कई लोग समाज सेवा करते नजर आ रहे हैं, ऐसे में कुछ लोगों ने परासिया विधानसभा क्षेत्र में गरीबों के यहाँ राशन का सामान पहुँचाया। परासिया विधानसभा में लॉकडाउन होने के कारण मेहनत मजदूरी कर अपना जीवन यापन करने वाले गरीब परिवारों को हो रही कठिनाई को देखते हुए ब्लॉक कांग्रेस ने नगर पंचायत न्यूटन नंबर 4 में और जाटा छापर में 150 गरीब परिवारों को किराने का सामान बांटा। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हेमंत राय, पूर्व जनपद उपाध्यक्ष जमील खान ने न्यूटन नगर परिषद में रहने वाले 100 परिवारों और जाटा छापर में 50 परिवारों को खाद्य सामग्री पहुँचाई। कोरोना वायरस के चलते जो लॉकडाउन किया गया है उससे हर जगह गरीब परिवारों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। उसी संदर्भ में हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि जो जरूरतमंद लोग हैं उनको हम अनाज, राशन, किराना
ऐसी चीज़ें उपलब्ध कराए ताकि उनको थोड़ी बहुत राहत मिल सके। आज हमने जाटा छापर के चीफ हाउस चौकी लाइन और कुआ लाइन में खाद्य सामग्री वितरित की है। पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में लॉकडाउन को सफल बनाने में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है। टीकमगढ़ में पुलिस ने गीतों के जरिए सभी का मनोबल बढ़ाया और लोगों से घर में रहने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। कोरोना महामारी के संकट में स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी और सुरक्षा कर्मी हर पल तैनात हैं। संकट की इस घड़ी में जांबाज पुलिसकर्मी और अधिकारी दिन रात लोगों को लॉकडाउन का पालन करवा रहे हैं और समय रहते भोजन वितरण के साथ साथ तनाव मुक्त रहने के लिए सलाह दे रहे हैं। ऐसा एक मामला टीकमगढ़ का है, जहां पदस्थ SDOP सुरेश सेजवाल अपने सहकर्मियों के साथ लगातार लंबी ड्यूटी कर रहे हैं और अपने देशभक्ति गीतों से लोगों को तनाव मुक्त रहने की सलाह दे रहे हैं। लोग पुलिस के इस अंदाज की प्रशंसा कर रही है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हम लोग अपने परिवार से दूर हैं, जनता ही ऐसे में हमारा परिवार है और देशभक्ति के गीतों के माध्यम से हम जनता को तनाव मुक्त रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 21 अप्रैल से 14 दिन के लिए भारतवर्ष में लॉकडाउन के लिए जनता को कहा है और आज उसका 7वां दिन है और इस 7 दिन में जनता जो है बकायदा लॉकडाउन का पालन कर रही है, बकायदा घरों में रह रही है। हम लोग भी अपील कर रहे हैं, लोग मान भी रहे हैं और चूंकि 7 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं और इसमें लोग काफ़ी घरों में रह के तनाव में हैं, काफ़ी दर्द सहन कर रहे हैं, तो मेरे मन में ऐसा आया कि इनको थोड़ी सी खुशियाँ दी जाए और इनका जो तनाव कुछ कम किया जाए। तो अपने जो गीतों के माध्यम से मैं इनको सुनाता हूँ और लोग इसको थोड़ा सा जो उनका लगता है बातचीत से कि उनका तनाव काफ़ी कम हुआ है। ये मेरे ऐसे प्रयास ही छोटे छोटे प्रयास में करते रहूँगा क्योंकि मेरा हम लोग का जन सेवक के रूप में हम लोग काम करते हैं और जन सेवा हमारा मेन उद्देश्य है। इसके लिए हम जनता की भलाई के लिए जो हमसे उचित बनता है हम करेंगे और ये जो 21 दिन का जो है हमारा 14 दिन का जो लॉकडाउन है ये इसमें हम सफल बनाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। लाइफ इज अबाउट टू चेंज है। नो मोर 8 घंटे की नींद, नो मोर लेट नाइट मूवीज, नो मोर पार्टीज विद फ्रेंड्स। बिल्कुल सही कहा तुमने, इसके फ्यूचर के लिए अब नो मोर हॉलीडेज, नो मोर शॉपिंग और नो मोर फिजूल का खर्च। लेकिन अगर इसका फ्यूचर ऑलरेडी सिक्योर्ड हो तो रियली डैडी बने हो, देवदास नहीं जीना छोड़ दूंगा, हॉलीडेज छोड़ दूंगा। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। क्यूट वाले मेहमान से पहले LIC। बाकी सब बाद में, पहले सुन मेरी बात रे। लाइफ के टेढ़े मेढ़े रोड पे होंगी चुनौतियाँ हर एक मोड़ पे, बट हमने कभी ना फिकर की, पर हमने कभी ना फिकर की, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC। स्टार्टअप का सपना, एक घर हो अपना, फॉरेन की डिग्री और छुट्टी विद जिगरी है, मेरे ड्रीम्स न जाने कितने 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 कितने, पर हमने कभी ना फिकर की, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, पहले LIC। ऋषि, ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जिंदगी के सभी खतरों से बचाना है। फिर तो मेरी लय खतरे में है, क्योंकि जो कॉकरोच से डर जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा। वेल, कॉकरोच छोड़कर तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम सिक्योर है। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। फॉरएवर वाले रिलेशनशिप से पहले LIC। देख रहे हैं दखल न्यूज़।